तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BA BSc BCOM आगरा यूनिवर्सिटी परीक्षा तिथि के बारे में, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम की तिथि उनके बारे में जानेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी की साइट पर अपडेट आई थी, 2019-20 लिखा है, आप देख लीजिए। तो जो वार्षिक और सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं आप लोगों को, उसी के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा 2019 के बारे में, तो आप लोगों को इसे इग्नोर करना है क्योंकि हमें तो 2020 के देखना है, क्योंकि 2020 के एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप लोगों को शायद पता है, आप लोग स्टार्टिंग से आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, और मार्केट से अगर आप लोगों ने सीरीज नहीं खरीदी तो सीरीज खरीद लीजिए, या फिर क्वेश्चन बैंक जो भी है वो खरीद लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम को अब ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे तो तैयारी करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो फाइनली आ जाते हैं जहाँ पर 2020 लिखा है। तो यहाँ पर आप 11 नंबर देखिएगा, सम इवन सेमेस्टर परीक्षाओं की अवधि अप्रैल 2020 का तीसरा सप्ताह, और 12 नंबर लिखा है प्रयोगात्मक परीक्षा माह जनवरी 2020 के प्रथम सप्ताह से 15 फरवरी 2020 के प्रथम सप्ताह में संपन्न होंगी, ठीक है। तो आप लोगों को जो प्रैक्टिकल एग्जाम हो जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं प्रथम सप्ताह से, और 15 फरवरी तक चलेंगे, और इसी के बीच जैसे कि ये आप लोगों की प्रयोगात्मक यानी कि ये जो परीक्षा आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, ठीक है, वार्षिक परीक्षा। और आप लोगों के यहाँ 13 नंबर पे देखना है परीक्षा फल 15 जून 2020 तक घोषित करना है। तो रिजल्ट तो अभी तो एग्ज़ाम हुए नहीं, लेकिन रिजल्ट का पहले इसमें बता दिया गया है, ठीक है, अच्छी बात है बता दिया गया, तो स्टूडेंट थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाएँ। जो आप लोगों का रिजल्ट है यानी कि जो एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा वो 15 जून को आएगा, यानी 15 जून को एक सारे रिजल्ट नहीं आएंगे BA BSc BCOM के, पूरे रिजल्ट उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर का आया उसके बाद 15 जून को फर्स्ट ईयर का, उसके बाद 5-6 दिन के बाद यानी कि 15-20 जून को सेकेंड ईयर का, इस तरह चलते चलते, क्योंकि आप लोग देखते हैं कितना लेट हो जाता है रिजल्ट आते आते, तो यही है इसमें स्टार्टिंग का दे दिया गया है, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को दोस्तों ये बताना चाहूँगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी ना इसमें हिंदी का है, ना इंग्लिश का है, ना हमारा फिजिक्स का, ना केमिस्ट्री के, ये सारे इसमें कोई पेपर दिया ही नहीं गया किस डेट को, तो मैं आपको बता दूँ जो वो स्कीम होती है, ठीक है, टाइम टेबल जिसमें पूरा लिखा होता है, और सब्जेक्ट वाइज होता है कि इस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट इस डेट को इस टाइम पर है, क्योंकि दो टाइम आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम, ठीक है। तो वाली स्कीम अभी नहीं आई है, फिलहाल जैसे भी आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा कि आ गई है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये छोटी सी अपडेट आई थी यूनिवर्सिटी के साइट पे, तो मुझे लगा कि ये जानकारी आपको देना उचित है, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो PDF है, ये जो मैं बता रहा हूँ, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप ये वाली डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी आपको जानकारी उचित लगेगा उसे आप गेन कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है हिंदी न्यूज़, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉरी उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर भी आप लोगों को बहुत सारी न्यूज़ मिलने वाली हैं। तो बस मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों। अगर जिन स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो बेशक वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई हम देने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, बाय बाय दोस्तों।